शाहकारों का शाहकार, और जब हम बात करें तो फिर आप कहेंगे कि ऐसा क्या शाहकार है भाई। एक मॉडिफाइड लिमोजिन की हम बात करते हैं। गुजरावाला के शहरी ने शानदार लिमोजिन को बग्गी नुमा गाड़ी में तब्दील कर दिया, यानी पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। जुल्फ़िकार ने घर में लिमोजिन तैयार किया, और इस पर कितना खर्चा आया और लोग इसे देखकर कितने हैरान होते हैं कि ये जो खूबसूरत सी बग्गी है, अब ये कितने में मिल सकती है रेंट पे, या आप कितने में बना सकते हैं, ये इस पर कितनी लागत आई है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया जुल्फ़िकार ने। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार, गुड मॉर्निंग। पहले तो मुझे ये बताएं कि अच्छी खासी लिमोजिन को आपने बग्गी में तब्दील कर दी है, ये आइडिया आया कहाँ से दिमाग में? आइडिया यूट्यूब पे मैं मुख्तलिफ गाड़ी देख रहा था, एक रूस की गाड़ी सेम यही जो मैंने तैयार की है इस मॉडल की मुझे नज़र आई है, उस पर मैंने रिसर्च किया, मुझे काफ़ी अच्छी गाड़ी लगी है, तो मैंने उसे देख कर ये। अच्छा जुल्फ़िकार, ये भी बताएं कि कितना टाइम लगा इसकी तैयारी में और कितना खर्च हुआ? तैयार करने में मुझे 4.5 माह का टाइम लगा है, और ख़र्च इसके ऊपर मेरा तकरीबन जो है ना, ये गाड़ी ख़रीद के और इसके ऊपर जो मैंने ये कार्ड के लिमोजिन ये सारा जो कंप्लीट, मुझे 35 लाख रुपए में गाड़ी ये पड़ी है। अच्छा, तो जब भी ये गाड़ी लेकर आप निकलते, वैसे तो सब मुड़ के देखते होंगे कि ये क्या ज़बरदस्त गाड़ी है, रिश्तेदार क्या कहते हैं, देखने वाले क्या कहते हैं, क्या क्या कॉमेंट्स देते हैं? पसंद करते हैं, साथ जो है खड़े होकर सेल्फी वगैरह बनाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बुकिंग पे भी काफ़ी गाड़ी भेजी है। अच्छा जुल्फ़िकार, अब लिमोजिन बन चुकी है बग्गी, तो इसमें कितने लोग वैसे बैठ सकते हैं, गुंजाइश कितने लोगों की है? ये मैंने 6 सीटर गाड़ी तैयार की है, तो जब बुकिंग पे जाती है तो जो है उनके वो अजीज़ोकार जो है वो भी कोशिश करते हैं कि हम भी एडजस्ट हो जाएं, तो इस तरह का मसला बनता ही रहता है। अच्छा, वैसे ऐसा कभी हुआ कि कहीं पे आप गाड़ी लेके गए हो किसी भी तकरीब में, और वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि होता है पाकिस्तान में ये कि गाड़ियों में अच्छे खासे लोग बार बार के जो है वो जा रहे होते हैं? बिल्कुल, ये काफ़ी मरतबा ऐसा हुआ है, ये 6 सीटर मैंने गाड़ी रखी हुई है, इसमें 10-10 लोग भी बैठ जाते हैं। सही। अच्छा जुल्फ़िकार, ज़रा इसकी मेंटेनेंस से मुतालिक भी बताएं, खर्च कितना आता है पर मंथ, इसकी क्या कॉस्ट आपको पड़ती है? ज़रा पेट्रोल के अलावा कभी लेकर भी जाना पड़ता है मैकेनिक के पास, कभी चेक भी कराना पड़ता है, कभी गड़बड़ भी हो जाती है? देखिए, मैंने हर चीज़ जो है ना इंपोर्टेड लगाई है गाड़ी में, कोई भी चीज़ मैंने नॉर्मल ही इसमें रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना खर्च नहीं, आम जैसे छोटी गाड़ियों में खर्च होता है वही है मेरा खर्च। अच्छा, और जुल्फ़िकार, अगर मैं कहूँ कि मेरी किसी भी गाड़ी, किसी क्या मेरी एक ही जाती गाड़ी है मेरे पास, तो उसे आपने बग्गी में तब्दील करना है, तो कितना खर्चा आएगा और क्या आप कर देंगे? जी बिल्कुल कर दूंगा, उसके ऊपर खर्च जो है वो गाड़ी देखकर ही बता सकता हूँ कि पहले गाड़ी जो है वो किस कंडीशन की है, तो वो तो हो जाएगी, मसला नहीं है। ठीक है, बेहद शुक्रिया।